नमस्कार, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं कल आने वाले चुनाव के नतीजों की। तो सभी राजनीतिक दल हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और क्योंकि आज की रात इनके लिए काफ़ी लंबी होने वाली है। तो हम जो चुनावी परिप्रेक्ष्य है, क्या होगा, क्या सिनेरियो रहेगा, और जो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर जो मिथक हैं, उनमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय झा। झा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जो मिथक है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। हमारे उत्तराखंड में मिथक है कि जो गंगोत्री विधानसभा सीट है, वहाँ से जिस पार्टी का विधायक चुनाव जीतता है, सरकार उसी की बनती है प्रदेश में। ये मिथक यूपी, जब हम यूपी का पार्ट थे तो यूपी के समय से ये मिथक अभी तक बरकरार है। वहीं दूसरा मिथक है चुनाव में कि जो रानीखेत की जो सीट है, जिस पार्टी का विधायक रानीखेत सीट से जीतता है, उस पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बनती। ये तो वो पहला मिथक। दूसरा मिथक है कि जो प्रदेश बनने के बाद से कि सरकार ने कभी रिपीट नहीं किया, तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या ये मिथक बरकरार रहेगा, कांग्रेस सरकार आएगी या बीजेपी जीत कर इस मिथक को तोड़ेगी। तीसरा जो हमारे यहाँ मिथक है उत्तराखंड में कि पेयजल मंत्री और शिक्षा मंत्री अपने कभी चुनाव नहीं जीते हैं मंत्री बनने के बाद से। तो ये तीन मिथक हमारे उत्तराखंड में है। तो देखेंगे कल चुनाव के नतीजे आएंगे। ईवीएम में भाग्य 600 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, उनका भाग्य ईवीएम में कैद है, तो सभी को 10 तारीख का इंतजार है। तो जहाँ सब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये मिथक बरकरार रहने वाला है, लेकिन बीजेपी आएगी तो ये मिथक टूटेगा। तो आपका क्या मानना है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये मिथक रहेगा या टूटेगा? जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, आपने अभी सही कहा कि कल आज की रात लंबी होने वाली है, और वास्तव में जितने प्रत्याशी हैं उनकी रात वाकई लंबी होने वाली है। और जो एग्जिट पोल ने जो इशारा किया है, वो इशारा भी थोड़ा मतलब गडमगड है इस बार। इस बार अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। जैसे कि 7 एग्जिट पोल में 3 ने दिया है भाजपा के पक्ष में कि भाजपा की सरकार बन रही है, और 4 का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार भाजपा की भी बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है, लेकिन दोनों दलों ने जो दावे किए हैं उनके दावे खारिज हो रहे हैं। जैसे कि भाजपा ने कहा था 60 के पार चुनाव हुआ, उसके बाद भी मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों ने दावा किया था कि हम 60 के पार जा रहे हैं। तो 60 के पार जाने का तो सीन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उधर कांग्रेस वालों ने कहा था, हरीश रावत जी ने कहा था, और फिर जो गणेश गुदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम 40 से 48 सीटें हम जीत करके सरकार बनाएंगे, तो वो भी दावा सच होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल ऐसा ही कह रहा है, और सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं, एज ए पत्रकार जो हम लोगों ने जो फील्ड में जो घूमा जो देखा, वो बिल्कुल यही है कि अगर सरकार भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, वो 40 से पीछे ही रहना है। तो ये अभी नहीं कहा सकते सरकार किसकी बनेगी, जिसकी भी बनेगी वो 35-36 इसी में बनेगी, 40 कोई नहीं पार कर रहा, ये तय है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने जा रही। पूर्ण बहुमत की अगर बने भी, जैसे कि पूर्ण बहुमत की बात करें तो 36 होता है, 35 और एक उसमें प्लस कर दीजिए 70 सदस्य विधानसभा की सीट है, तो अगर वही 35-36 में ही होगा, हो सकता है एक दो बढ़ जाए और एक दो कम रह जाए। तो भाजपा ने तो इसलिए अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, उन जहाँ तक सूत्रों का कहना है भाजपा ने प्लान ए, बी और सी तैयार किया है। ए यानी अगर हमें मेजोरिटी मिल जाती है पूरी तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर बी यानी कुछ 2-4 सीटों की अगर ज़रूरत पड़े तो इधर उधर से ले लो, अगर पूरा कम पड़ जाता है तो फिर कैसे दूसरे दलों को, जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कैसे उनको मैनेज किया जाए। इस पर भाजपा का काम शुरू हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी दूसरे दलों के विधायकों की। अगर सर कांग्रेस और बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आते तो क्या हम मान सकते हैं कि इस बार निर्दलीयों की बल्ले बल्ले होने वाली है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप इस बात का मतलब इस बात को लेकर चल सकते हैं कि निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के विधायक जो 2-4 मतलब 7 से नीचे ही रहेंगे, ये लोग जो जीत के आते हैं उनकी 12 होने वाली है, मतलब उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है, महत्वपूर्ण होगी सरकार बनाने में, न केवल सरकार बनाने में बल्कि 5 साल तक सरकार चलाने में उन विधायकों की भूमिका जो निर्दलीय होंगे और जो आम आदमी पार्टी के या उकरांद के होंगे, उनकी सरकार चलाने में और पूरे 5 साल तक सरकार चलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छा सर, अभी जो हमारे दिग्गज है, जैसे कांग्रेस के हरीश रावत हैं,
पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से हैं, सरिता आर्य जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई, किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, ऐसे कई दिग्गज है जिनकी मतलब दाव पर लगी हुई है राजनीतिक में। यकीनन दाव पर लगी हुई है और सबको पता है कि हम कितने पानी में हैं। सरिता आर्य शायद चुनाव मतलब वो परफॉर्मेंस ना दिखा पाएँ जिनकी उन्हें उम्मीद थी भाजपा में जाने के बाद। किशोर उपाध्याय फायदे में रह सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी पहुंच भी है और जो भाजपा का भी सपोर्ट मिला है, लेकिन हरीश रावत जी ने बाद में काफ़ी कुछ मैनेज किया लेकिन उनकी उनकी सीट फंसी हुई है और धामी संभवतः निकाल ले जाएंगे सीट अपनी वहाँ से खटीमा से। तो कुल मिला के आपका राजनीतिक जो है कि हमारे मतलब जो प्रदेश में जो पिछली बार बीजेपी लहर थी मतलब या मोदी लहर जिसे कह सकते हैं, वो लहर इस बार कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल, वो मोदी जी की लहर इस बार नहीं है और वैसे भी स्टेट में लोकल मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाता है और लोकल मुद्दों में तो बीजेपी बहुत पीछे चली गई थी। हालांकि पुष्कर धामी जब चीफ मिनिस्टर बने 6 महीने का टाइम हो गया है तो उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत जबरदस्त फाइट दिया है इस बार। और जो आपने अभी पीछे पहले मिथक की बात की थी तो शायद जो है मिथक बरकरार रहे, लेकिन अगर कर्नल कोठियाल वहां से यमुनोत्री से जीत जाते हैं सपोज आम आदमी पार्टी तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है? सिनेरियो हो सकता है, आपने अभी कहा ना कि पहले एक समय आया था कि सपा की सरकार बनी थी प्रदेश में वहां के सपा, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो लेकिन सरकार बनाने में उनकी भूमिका हो, सरकार में शामिल हो, ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये मिथक बरकरार हो सकता है अगर कर्नल कोठियाल जीतते हैं तो बहुत चांस है कि मिथक बरकरार रह जाएगा। और जहां आपने सही कहा कर्नल कोठियाल जी काफ़ी आशान्वित हैं कि उनकी सीट निकलेगी, तो हो सकता है कि जिस पार्टी की सरकार बने उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर दें या अंत में भाजपा के खेमे में चले जाएं और सरकार के साथ रहें, तो सरकार तो बन ही गई एक तरह से। तो ये है कुल मिलाकर के। तो प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं 10 मार्च यानी कि कल, उसके रिजल्ट आने वाले हैं जो काफ़ी रोचक लगता है कि मुकाबला है इस बार और उसके चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं। जैसे कर्नल कोठियाल हैं आम आदमी पार्टी से हैं तो अब वो जीतते हैं तो क्या ये मिथक फिर बरकरार रहने वाला है, या ऐसे कई सारे सवाल हैं तो इन सवालों के जवाब कल मिलेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा और पूरी जनता को और जितने प्रत्याशी हैं पार्टी के नेता हैं सभी को कल का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।